देर है, दुरुस्त है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यार यकीन जानो, मैं अभी ना इन लोगों का ही मतलब नीचे का जो सेटअप है ना, वो थोड़ी सफाई करा था बाबा के साथ। तो दोस्तों ये पता ही नहीं है, भाई ने आके देखा, बोला तीतर ने अंडा दिया है। तो यार खुशखबरी मिली है, मैं व्लॉग स्टार्ट ही करने वाला था, मुझे क्या पता था कि इसी से स्टार्टिंग हो जाएगी और आज अंडा मिल जाएगा हमारे को। तो खैर यार मैं लेने आया हूँ एक अभी नीचे, क्या नाम है, प्याला, जिसके अंदर इसको घास रख के दें, यही प्याला चाहिए। चलो चलो आगे हो इनको। तो भाई अब हम दोस्तों यहाँ खुला छोड़ देते हैं और बाकी उन सारों को बंद कर देते हैं, ताकि आज इनका पिंजरा सेट कर देंगे हम। माशाल्लाह से वो देखें काफ़ी सेट हो गया है, तो इनका पिंजरा सेट करके हम इनको इधर शिफ्ट कर देंगे। बाकी दोस्तों ये नीचे लेके चलता हूँ मैं प्याला और घास ले लेता हूँ थोड़ी, और अभी के अभी उसको बैठाते हैं, क्योंकि तीतर जो होता है ना वो बैठता नहीं है फिर अंडों पर। मैं घास लेके वहाँ जाऊँ और वहाँ उसको बैठाते हैं आज अंडों पर। ये ले भाई, इसमें बिछा लो, लग जाएगा। इसका ही क्या चक्कर है, मतलब इसका मुझे नहीं पता था, ये एकदम से बैठानी पड़ेगी फौरन। ये है, खाना भी मांग रही है, ये ऐसे ही बिछी हुई है, ये निकाल लो, वो भी काम हो जाएगा। दोस्तों ये रहा इसका एक अंडा, देख लें, क्योंकि बोलते हैं कि इसका ज्यादा हाथ में नहीं रखते अंडा और फौरन बैठा देना चाहिए। और ये शायद ये लंबा, खुशी हो रही है काफ़ी टाइम बाद दिया, लेकिन दिया तो सही। बाकी हमने मैंने इतना नहीं पाले, तो मुझे इसके बारे में इतनी मालूम नहीं है। तो अंदर इसके भूसा डाल रहा है थोड़ा बहुत। हमारे यहाँ जो तीतर है उसने फर्स्ट टाइम अंडा दिया है। तीतर का अंडा मैंने अपने सामने फर्स्ट टाइम देखा है, क्योंकि मैं इतना पालता नहीं हूँ, तीतरों का इतना शौक नहीं था। ये लो भाई ले जाओ। यार ये ना तोड़ दे यार मेल इसका, ये देखा, ये ना तोड़ दे यार, वो वैसे ही आधा पागल होगा, बस छोड़ दो उसको, यहीं खुद बैठ गया। ये तोड़िए, मैं यही तो बोल रहा हूँ, ये ना होना है तोड़ दे। हाँ दड़े गिरा दिया उसने, मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे को यार निकाल लो अभी, पहले इसको पूरा देने तो, हो सकता है ये भी कूड़ा कूटी हो यार। तोड़ दिया, तुम लोग समझ ही नहीं रहे हो बात को मेरी यार, मैं बोल रहा हूँ वो तोड़ देगी अभी, वो थोड़ी कूड़क हुई हुई है। ये लो अंडा तो ले आओ, बच गया है नहीं गया, बच गया है फिर भी, पता नहीं बोलना इन लोगों को, एकदम नहीं बैठेगी वो अंडों पे, ये लोग मान ही नहीं रहे। अंडा तोड़वा दिया, हल्का सा क्रैक पड़वा दिया। अब दोस्तों हमारा एक आइडिया है कि ये जो है बाबा ने बताया है कि हमने इतने नहीं पाले, सच बताऊं तो बाबा ने पाला है, तो हाँ इसमें रख देते हैं। तो अब हम ये एक सेटअप कर रहे हैं कि हमारे जो तीतर है ना उनको अब हम ब्रीडिंग के लिए यहाँ छोड़ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये बड़ा है तो इसके अंदर ना ये आराम से अंडे दे देंगे। यहाँ पे मुर्गी को इसके नीचे रख देंगे और इधर इनको सेट कर देंगे, इसलिए मैं मिट्टी भी लेकर आया हूँ और जो भूसा है ना वो भी डाल देंगे और उधर इन्हें छोड़ देंगे, क्योंकि बाबा बता रहे हैं कि बेटा ये ऐसे अंडे नहीं देते, ये जो हैं वो इस तरीके से अंडे देते हैं कि तकरीबन 7-8 ऐसे अंडे देते हैं, और अंडे देने के बाद ये अपनी जगह खुद बना के वहाँ बैठती रहेगी। और इसके अंडे मुर्गी की तरह नहीं होते कि आप उन्हें हाथ में पकड़ के रखो। क्या है इसको यहाँ क्यों चढ़ा रहा, अरे यार लग जाएगी उसके, देखना ये हमला करती है, मेरे को पहले भी कर चुकी है। आ गया भूसा ले भाई, मिट्टी बिछा दी, बावले मिट्टी नीचे गिरी, इतना गत्ता नीचे डाल दे, यही गत्ता जैसा भी फिटिंग में आ जाए, हल्का सा वाला साइड से उड़ भी जाए तो सही है, परेशान ना हो, सही रहेगी, इतनी मिट्टी ज़्यादा नहीं आएगी, पूरी आ जाएगी, पूरी आ जाएगी। चलो भाई दोस्तों आ गए हैं हमारे तीतर, उल्टा 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 उल्टा, इस कोने पे सही है, इस कोने मेरे हिसाब से उस कोने पे ज़्यादा सही है, क्योंकि खाना दोगे वो फिर आप आगे थोड़ी रखोगे भाई, यहाँ कर दो खाना पीना इनका, इधर लगा दिया करेंगे कोने की तरफ, ताकि इससे थोड़ा फासला रहे, तो पानी यानी भी ये गिराए विराए नहीं और डायरेक्ट माता जाके बैठ जाए। यार इसके नीचे रखते हैं भूसा, तो कुछ मेरे को इतना इल्म नहीं है, देख लो जाओ भाई, अभी तो ये नहाएंगी क्योंकि मुझे पता है मिट्टी को देख के फिक्स। यार ये बड़ा तेज़ है, ये जो नर है ना और ये नहाना शुरू नर अंडे की तरफ चला गया, तुमने अंडे नहीं देने, इसने देने अंडे, उसको भेजो। पता नहीं इसका क्या प्रोसेस है, किस तरीके से अंडे देगी, खैर मैं आज देखूंगा दोस्तों मोबाइल पे सर्च करके कैसे कितने अंडे देती है और किस तरीके से देती है। अब इसको हम शिफ्ट कर देते हैं यार आज, और इसके अंदर अपने कंदारी और ये बच्चे शिफ्ट कर देते हैं, अंदर डाल देते हैं उसके अंदर, मतलब ये गेट हो गए, वो ये बोल रहा है कि इस तरफ तक लगाओ उसका आगे का हिस्सा, बीच में भी कर देंगे खड़ा, कोई मसला नहीं है, लकड़ी का हल्का पीना नहीं यार, फिर भी छोटे बच्चे जा रहा हूँ कहाँ जाएंगे, यहाँ लगा लो, इस तरफ लग जाएगा ना ये जगह कवर हो जाएगी, बस ऐसे लग जाएगा वो, ये देख इधर गेट खुलेंगे उसके, बस
पता नहीं, मैं समझ नहीं आ रहा है क्या बोलना चाह रहा है। ये बोल रहा है कि दोस्तों इसको हटाना पड़ेगा, तो चलें हटा के चेक कर लेते हैं इसे, और क्या करें। ये कहाँ ले जाओगे यहाँ? चलो ये तो आई है इधर, चले रख के देख लेते हैं एक मरतबा, अगर सेटिंग समझ आए तो दोस्तों ऐसे ही रख देंगे। तो दोस्तों रख दिया है भाई से, इधर हमजा ने बोला था रख देते हैं, अथर भाई भी यही बोल लेते हैं। वैसे जगह तो सही बनी है, बहुत बेहतरीन है, पर हमारा जो ये पिंजरा है ना, इसका कुछ नहीं पता। अब ये देखते हैं कहाँ रखना है, इसके लिए सोचना है। बाकी हमने शिफ्ट कर रहा कंधारी बच्चे, अब जाएंगे हमारे, वो कंधारी नहीं है वो असील है, जो दिखने में कंधारी लग रहे थे, अब जाएंगे कंधारी। खुद जाओ, चलो बेटा नए घर में जाओ, बंद कर दो बंद कर दे बंद कर दे बंद कर दे। ये हो गए हमारे असील और ये आ गए कंधारी। ये यहाँ सेट लगेगा, इसके कुंडों के साथ चिपका दो ये जो कुंडे हैं ना दोस्तों। अब जो है ये जो है हमारा इधर फिट हो गया, अब सेट है ना यार, बहुत अच्छा लग रहा है। सही बोला था इन्होंने, यहाँ पे कर देते हैं। वैसे ये दीवार पे भी रहता वही बात बनती, ये थोड़ा आगे आ जाता, पर ये असल में लोहा है ना, ये देखें इसके ये निकले हैं। और कासान भी यहाँ पे आके घूमता रहता है, छोटा है आप लोगों को पता है, तो डर रहता है यार लग लगा ना जाए, इसके किनारे हैं तो उनके ऐसे खुल के से गया भाई। यार हमजा ये टेंशन हल हो गई नहीं, फिर नहाने का नहीं बोला, दूसरा अंडा दो मजान, नहाने बैठी हुई हो हैं, एक अंडा तोड़ दिया तुमने। दोस्तों ये सारे काम से तो निमट गए, उनका पिंजरा भी सेट कर दिया। अब जो है हम कॉकटेल है उसकी हांडी निकाल रहा हमजा, उसको मैंने बोला यार इसकी हांडी में से अंडे निकाल लें, क्योंकि अगर ये दूसरे अंडे दे तो अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे मिक्स हो जाएंगे फिर, जो तो ख़राब अंडे जो पहले के हैं तो बेहतर है कि निकाल लें। तो ये जल्दी से हांडी सेट करवाऊँ मैं इसके साथ, क्या करना हांडी पकड़ी है। हाँ छोड़ो, हाँ छोड़, बस तुम खींच लो, खींचना पड़ेगा। अंदर बैठी है माता, बैठी हुई अंदर दोस्तों, और उसको नीचे रख दिया है। देख यार अंडे तो नहीं दे दिए इतने, दो ही अंडे पड़े, दो ही अंडे निकाल ले, अंडे खराब है, अंडे दो अंडे पड़े, निकाल लो अंडे, अड़े बाहर तो निकले, तो उसको हिलाओ ना, हिलेगा नहीं तो ऐसे थोड़ी बाहर आएगी वो, तो दावत थोड़ी देनी। हाँ ऊपर से हटाओ, हाँ ये चीज निकाल ले दोनों अंडे, काम के तो है नहीं अब, यहाँ हाथ नहीं जाएगा, मेरा ही नहीं जा रहा था। अरे भाई मैंने उस दिन कोशिश की थी पर इसके अंडे नहीं निकल पाए थे। ये ले भाई दोस्तों, आ गए हमारे कॉकटेल के दोनों अंडे, इनको फोड़ते हैं और देखते हैं कि इन्होंने क्या कारनामा दिखाया है इसमें। इसमें चेक करते हैं कहाँ है वो डंडी जिससे मैं डंडे तोड़ता हूँ, आ जाओ। छिलका बना हुआ कुछ, सड़ गया, सड़ गए अंडे, सड़ गए, इसको चेक करते हैं, निकाल, ये भी सड़ गया, नीचे जाओ सारे अंडे। गर्मी की शिद्दत की वजह से दोस्तों अंडे जो हैं वो खुश पड़ जाते हैं और ख़राब हो रहे हैं मेरे हिसाब से, जितने हमारे परिंदे वगैरह हैं और मुर्गियों के जो अंडे ख़राब हो रहे हैं ना, वो गर्मी की शिद्दत से हो रहे हैं, और बाकी नीचे जो मुर्गी ख़राब हैं वो तो चोटियों की वजह से हैं भाई, साफ बात। फाइनली भाई हमारे जो अब से ये हैं ये भी ऊपर आ गए हैं, और आप लोग दुआ कीजिएगा कि हमारे जो यार ये तीतर हैं ये अंडे दे दें आप, और जल्द ब्रीडिंग कर दें तो हम यहाँ पर इनको बिठा दें अंडों पर फिर। और बाकी आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों जो हमने अपना जो इनका सेटअप करके यहाँ रख दिया है, बताइएगा जरूर कमेंट में, अच्छा लगा या नहीं। हमने ये पिंजरा लेके सिर्फ इन्हीं की वजह से लिया था और इनको अब यहाँ पे सेट कर दिया, कमेंट में लाजमी मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा ये। तो ये थी दोस्तों मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी, तो अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल घर में शौक को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक नए ब्लॉग के साथ, अभी के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।